हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूँ एवरीथिंग होममेड पे। और आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और चलिए इस बॉडी पॉलिशिंग किट के ब्रांड के बारे में जान लेते हैं। स्वैग्नी कैलिक्स हर्बल बॉडी पॉलिशिंग किट इसका ब्रांड नेम है। और इस प्रोडक्ट का क्या यूजेज है, कैसे कैसे इसे यूज करना है, अगर आप एक अच्छी सी बॉडी पॉलिशिंग किट ढूंढ रहे हैं तो आपको ये बॉडी पॉलिशिंग किट, स्वैग्नी का बॉडी पॉलिशिंग किट यूज करना चाहिए या फिर ये आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी मैं पूरी जानकारी दे पाऊंगी और इसे कैसे यूज करना है ये सारी चीजें भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही अगर आप इस चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और मैंने जब इसे ओपन किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ऐसी पैकेजिंग ना खुद को रिफ्रेश कर देती है। जिन डब्बों में इसकी पैकिंग की गई है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है, तो ये चीज़ इसका प्लस पॉइंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पूरे किट के फर्स्ट स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिल्क एंड हनी बॉडी लोशन, सॉफ्ट लोशन मिल जाता है। और यहाँ पे नाम भी मेंशन करती रहूंगी मैं अगर कहीं गलती हो जाती है। तो आप लोशन के लिए आपको जो पैकेजिंग रिसीव होती है वो कुछ इस प्रकार से, और विथ पंप ये पैकेजिंग आती है, तो आप पंप के द्वारा इसे यूज कर सकते हैं। टेक्सचर अभी आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। और इसको यूज कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको यूज करने के लिए आपको अपनी स्किन में इसको एब्जॉर्ब कराना है, और बहुत ही अच्छे से जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तब फिर आपको सेकेंड स्टेप की तरफ जाना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको इस प्रकार से मिल जाता है, और सेकेंड स्टेप में आपको मिल जाता है स्वैग्नी का स्क्रब, जिसका कि यहाँ पे नाम मेंशन है सॉफ्टनिंग बॉडी ऑयल एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर मतलब स्क्रब ही होता है, तो ये स्क्रब है एक तरीके का। तो आपको स्क्रब करना है 5 से 10 मिनट, 10 मिनट आपको मैक्सिमम स्क्रब करना ही है एकदम हल्के हाथों से। उसके बाद आपको इसको पानी से वॉश कर लेना है। तो सेकेंड स्टेप जो था वो है एक्सफोलिएटर, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है जब आप इस स्क्रब को लगा लेते हो ना, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और इस पूरे किट की खास बात ये है कि इसका फ्रेग्रेंस कमाल का है। इसे हाथ पे लगाया तो मैं इसका स्टेप बता दी, अब मैं इसको फेस पे लगाने का स्टेप बता देती हूँ। कि फेस पे अगर आप इस स्क्रब को लगाते हैं तो उस मौके पे आपको 3 से 5 मिनट बस इसे अपने फेस पे एकदम हल्के हाथों से मसाज करना है। अगर आप 5 से कम करते हैं तो और बढ़िया होगा, 3 से 4 मिनट बेस्ट है इसके लिए। तो आप फेस पे स्क्रब इसका कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट करें। थर्ड स्टेप जो है वो है लेमन टर्मरिक बॉडी मसाज क्रीम। और इसका क्या करना है कि जो आपने स्क्रब लगाया उसके बाद उसको धुल लिया, फिर आपको ये क्रीम लेनी है जो कि मसाजिंग क्रीम है, और इसको अपने स्किन पे लगाना है और इसे मसाज करना है। और इसके लिए मिनट्स नहीं, आप इसके लीजिए, इससे मसाज करिए 10 से 15 मिनट आप इसे मसाज करिए और एब्जॉर्ब करा दीजिए अपनी स्किन के अंदर। और जब ये एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप फिर फोर्थ स्टेप इस पे अप्लाई करिए, इसको पोंछना या धुलना नहीं है। फोर्थ स्टेप जो रहेगा वो है हैंड एंड बॉडी जेल। और इसका जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ग्रीन कलर का। और इसको यूज ऐसे करना है कि जब आपको उस क्रीम से मसाज कर ली अपने पूरे हैंड पे, फिर आपको ये जेल उसी के ऊपर से अप्लाई करना है और इससे भी मसाज करना है। और बेसिकली बॉडी पॉलिशिंग किट का काम क्या होता है कि आपकी स्किन को पॉलिश करता है, आपकी स्किन से ग्लो देता है, आपको शाइनिंग बनाता है। तो इसलिए क्रीम से आपने मसाज कर लिया, फिर आप जेल से मसाज करिए, फिर 10 से 15 मिनट जेल से मसाज करते रहिए, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी भी लेते रहिए, और हल्का हल्का पानी लेके और उसको मिला करके और मसाज करते रहिए। आप इसे वॉश कर लीजिए। ये वाला जो फोर्थ स्टेप है इसको आपको स्किप कर देना है अगर आप फेस पे अप्लाई कर रहे हो। तो फेस पे अप्लाई करने के कंडीशन में आपको फर्स्ट स्टेप लोशन लगाना है, सेकेंड स्टेप एक्सफोलिएटर, थर्ड स्टेप मसाजिंग क्रीम, और फोर्थ वाले को स्किप करके फिफ्थ वाला पैक लगा लेना है। फिफ्थ स्टेप जो है वो है पैक, वो अभी आप देख। फ्रेग्रेंस तो कमाल की रहती है, मैंने बार बार बताया, मुझे कोई भी अगर पैक या फिर क्रीम रिसीव होता है और उसका अगर सेंट अच्छा रहता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो पैक है ना ये बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा थिन नहीं है, अच्छी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आता है। तो इस स्वैग्नी के पूरे बॉडी पॉलिशिंग किट में मुझे जो चीजें अच्छी लगी वो है, फर्स्ट इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, सेकेंड इसका जेल भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और थर्ड इसका पैक।
ये पैक जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो आपको लगेगा एकदम कूल कूल सा इफेक्ट देता है, एकदम लगता है कि आप अगर थके हुए हो ना तो आपकी स्किन से उस थकान को खत्म कर देता है, क्योंकि इतना कूलिंग इफेक्ट देता है, मतलब नहीं बोल बता सकती कि कितना ज्यादा। तो मुझे बहुत ज्यादा इसका पैक अच्छा लगा। मुझे वैसे भी कूलिंग इफेक्ट वाले पैक्स फेस वॉशेस अच्छे लगते हैं और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा था। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको अपनी स्किन पे इसको लगाना है, 20 मिनट अपनी स्किन पे इसे छोड़ना है और उसके बाद फेस को वॉश कर लेना है, हैंड को वॉश कर लेना है और आपका स्टेप फाइनल हो जाता है। और इसके बाद आप जब इसको वॉश कर ले उसके बाद आप फिर से लोशन लगा करके स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्वैगमी का बॉडी पॉलिशिंग किट जो है, ये अगर रिकमेंडेशन की बात रही तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगी ये प्रोडक्ट। अगर आप एक ब्राइडल हैं और अच्छी सी अफोर्डेबल बॉडी पॉलिशिंग किट चाह रहे हैं, स्वैगमी का बॉडी पॉलिशिंग किट बिल्कुल ट्राई करिए। इफेक्टिव है और फ्रेग्रेंस और इसके शाइनिंग इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और मैंने इसे पर्सनली इसे यूज भी किया है तो उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप इसे यूज करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं अगर कोई फंक्शन है या फिर फेस्टिवल्स के लिए या फिर आप ऐसे भी अपनी स्किन की अच्छी सी रूटीन फॉलो करना चाहते हो, बॉडी पॉलिशिंग किट एक ढूंढ रहे हैं अच्छी सी, तो आप स्वैगमी का बॉडी पॉलिशिंग किट जरूर परचेज करिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका परचेज लिंक, तो आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं इसे। तो मेरी रिकमेंडेशन तो बिल्कुल इस किट के साथ हाँ रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर अन्य किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए।